सस्ते रेट पे मिल गया ये घोड़ा, अच्छी नस्ल का है। देखो कैसे मूर्खानंद है, कितना शानदार और महंगा घोड़ा ले रखा है, इसकी सवारी नहीं कर रहे और पैदल पैदल जा रहे हैं। मूर्खों की दुनिया का आलम ही निराला है। अपने क्या है, काम करो अपने। और घर पर ठीक है सर? और क्या चल रहा है? देखो देखो यार, इस बदतमीज बच्चे को, जो खुद तो राजकुमार बनके इस घोड़े के ऊपर बैठा है और बेचारे इस बुजुर्ग को नीचे नीचे पैदल चला रहे। ओ हो, क्या कलयुग आ गया भैया यार। अरे देखो देखो, खुद तो बूढ़ो महाराजा की तरह ऊपर बैठा है और इस बच्चे को नीचे पैदल चला रहा है। इस बच्चे पे बिल्कुल ही दया नहीं आ रही, कैसा बेशरम बूढ़ो है। चलो चलो अपना काम करो। ए देखो निर्दयी, देखो निर्दयी बेशरम। अरे देखो देखो बेशरम लोग, देखो निर्दयी जीव के ऊपर दोनों बैठे हैं, बिल्कुल दया नहीं है इनके मन में। पापा, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोगों ने हमें कितना कुछ कहा, जब हम दोनों पैदल जा रहे थे तो कहते कि कितने मूर्ख हैं, बैठ क्यों नहीं जाते। जब मैं घोड़े पे बैठा तब मुझे कहा कि कैसा बेशरम लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद महाराजा बन के बैठा है। फिर जब आप बैठे तब आपका मजाक उड़ाया, कहते कि बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। जब हम दोनों घोड़े पे बैठे तब लोगों ने मजाक बनाया, कहते कि आपको घोड़े पे दया नहीं आती। क्या करें पापा लोगों का, ये संसारिक जीवन है बेटा, यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर आती है। हम इंसानों की फितरत ऐसी होती है कि हम हर किसी में कुछ न कुछ कमी निकालते हैं, कुछ न कुछ कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कभी परवाह मत करो, दुनिया का काम है कहना। अगर उनकी सुनते रहोगे तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दुनिया कहती रहे, आप सुनते रहो और अपना सफर जारी रखो, वो भी जो आपको पसंद है। दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है चलते रहना।